रहे हैं, वे चाहते हैं कि पहले मुकदमे वापस होने चाहिए, उसके बाद आंदोलन वापस होगा। और यही वजह है कि अभी तक लगभग 3 घंटे हो गए हैं, प्रस्ताव आए हुए, उस पर चर्चा चल रही है। और मैं आपको यहाँ पर तमाम लोग जो फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हम करनाल से आए हैं। ये हमें लग रहा है कि हमारा दौर जल्द से खत्म हो जाएगा, तो सरकार हमारी मांगें जल्दी मांगे। यहाँ आपको किसका इंतजार कर रहे हैं? करनाल से मोदी जी के साथ आए हैं। और देखिए मुकदमों को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले आप आंदोलन वापस ले लीजिए, फिर मुकदमे वापस होंगे, क्या इस पर कुछ सहमति बनती हुई नजर आएगी? लग रहा है चल रही है हमारी मीटिंग, चल रही है, ठीक है, जैसे हमारे प्रधान करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि जो किसान नेता जो तय करेंगे उसी पर अमल किया जाएगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में जितने भी किसान संगठन हैं वो एक बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद ही फैसले को फैसला लिया जाता है। जो भी डिसीजन आया हमारे नेताओं का हम उनके बिल्कुल सहमत हैं। मंजूर होगा पर उसका शॉर्ट टाइम होना चाहिए, ये नहीं कमेटी बने और दो दो साल तक उसका कोई जवाब ही ना हो। वो महीने 15 दिन में 20 दिन में अगर कमेटी अगर फैसला करती है तो हम उससे बिल्कुल सहमत होंगे। कमेटी आ रही है, वो आपके पास बात करेगी। बिल्कुल बढ़िया माहौल से मीटिंग हुई है, 5 मेंबरी कमेटी ने थले मीटिंग हुई है जी, 5 मंत्री ने प्रधान ने मीटिंग की हैगी है। कल नु जो फैसला होगा वो आप जी दसा जाएगा, कल नु 2 बजे दोबारा स्कीम की मीटिंग होगी। अज तक जी सरकार वालों चिट्ठी आई उन्होंने केवल चर्चा की गई है, उन्होंने दसा सारा वो कल चिट्ठी दस देंगे तुम प्रधान जी साढ़े अजे तक विक्रम जी कोई गलबात नहीं हैगी, पर दसेगी तुम कमेटी, जो कमेटी दस सकती वो अभी नहीं दस सकते, कमेटी फैसला करूगी। कल नु 2 बजे दोबारा फिर मीटिंग की जाएगी। सब चीज मांगते हैं, हम तो कोई छोड़ते नहीं है, कल मीटिंग होगी फिर बताया जाएगा। क्या ये संभावना है कि केंद्र सरकार से इस बीच मीटिंग हो सकती है? देखो हम जो 5 मेंबरी कमेटी स्थगित की है हम उसको अधिकार दिए हैं,
वो कमेटी जितना चेर बात नहीं करेगी हम उतना चेर आपको उसको बता नहीं सकते। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? बलवंत सिंह बैराम। हम राइटर हैं 40 के।